वेलकम टू पारुकी की दुनिया। और अभी मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। मैं गई थी शॉपिंग करने के लिए, तो मैंने कहा चलो कुछ मैं आपको दिखा भी देती हूँ। और मैं थोड़ा थोड़ा सा सामान लेके आई, मैं आपको दिखाती हूँ। आज पता क्या हुआ था, आज मेरे हस्बैंड की छुट्टी थी, तो मैंने कहा चलो क्यांश को उनके पास छोड़ के मैं अपना थोड़ा सा सामान ले आती हूँ। तो सबसे पहले तो जिस काम के लिए मैं गई थी तो वो हुआ नहीं। मैं जिस शॉप पे गई थी, ट्यूसडे था आज, तो मार्केट बंद थी, तो इसलिए मेरा वो काम नहीं हो पाया। फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, छोटे मोटे काम कर लेते हैं। तो ये मेरा केक रस खत्म हो गया था। फिर मैंने कहा चलो एगलेस बहुत मुश्किल से मिलता है, तो मैंने कहा ये ले आती हूँ मैं। एंड थोड़े से पोने मुझे लेने थे घर के लिए, मैं ये लेके आई। और मैं एक सूट लेके आई, ये देखो, थोड़ा सा दिखाऊंगी, पूरा नहीं दिखाऊंगी। जब पूरा बन जाएगा ना तब मैं आपको पूरा दिखाऊंगी कि बन के वो कैसा लग रहा है। और मेरे साथ एक, मतलब मैं आपको क्या ही बताऊं क्या हुआ है मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ। मैं लेके आई थी इतने सुंदर से कप, और जैसे ही मैं लेकर आ रही थी ये सुंदर से कप रास्ते में टूट गए, क्योंकि मेरे हाथ से जो थैली थी वो छूट गई। और इतने सुंदर से कप फेंकने पड़ेंगे, मेरा मन तो नहीं है इन्हें फेंकने का, लेकिन हम क्या करें, हम इन्हें फेंकने पड़ेंगे। तो चलिए हम जल्दी से इन्हें फेंक देते हैं और बाकी काम शुरू कर लेते हैं, क्योंकि अब मुझे बनाना है खाना। तो मैं साथ में खाना भी बनाई थी, मैंने कहा चलो मैं जो सामान लेके आई हूँ वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो यहाँ बन रहा है शाही पनीर, जिसकी हो गई है तैयारी, और थोड़ा थोड़ा सा ही जल भी गया है। तो शाही पनीर हम बनाएंगे, मैं आपको जो रेसिपी है वो ज़रूर दिखाऊंगी। वैसे आप लोग बताइएगा कि मुझे खाना बनाना आता है या नहीं। और बस मेरे ये इतने, तो अब मुझे लगा आज हम बनाने वाले हैं शाही पनीर, जिसके लिए हम लेंगे 4 अनियन, 3 टमाटर, थोड़ा सा लहसुन, अदरक, काजू लगभग इतने ले लीजिएगा, ठीक है। अब हम बाकी की रेसिपी बात करेंगे, मैं ये सारे कट कर लेती हूँ। देन इस तरीके से, इस तरीके से पैन रखेंगे, है ना। शाही पनीर बनाते हैं तो एक चीज ध्यान रखें, उसमें ये पत्तियां डालनी, ये डालनी है आपको, डंडियां पत्तियां नहीं डालनी है। इससे ना आपके शाही पनीर में बहुत ज्यादा अच्छा टेस्ट आता है। ये मेरी एक सीक्रेट रेसिपी है। ये वाले कप भी मैं लेके आई हूँ आज ही, ये भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। 3 कप ये लेके आई थी, और एक ये वाला कप बच गया है, ये वाला मैं लेके आई थी। तो पनीर इधर बन रहा है, और मैंने सोचा मैं लगा लेती हूँ आटा। वैसे मैं पानी ऐसे बोटल्स में भरवा के रखती हूँ, क्योंकि बार बार ना मुझसे पानी नहीं लिया जाता है, तो इसलिए मैं ऐसे एक बार में पानी भर लेती हूँ इकट्ठा, और फिर मैं बार बार यूज करते रहती हूँ। वैसे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना जिन्हें आटा गूंदना नहीं आता, क्योंकि मैं सच बताऊं मैंने भी आटा गूंदना यूट्यूब से ही सीखा था कि अच्छा आटा कैसे गूंदे। मतलब मैं आटा ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं जानती थी, लेकिन मैंने सर्च किया था कि अच्छा आटा कैसे गूंदे, तो आप लोगों को मैं सिखा देती हूँ अच्छा आटा कैसे गूंदे। आप मेरी वीडियो से सीख सकते हैं। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाते, पहले मैं क्या करती थी इकट्ठा खूब सारा पानी डाल लिया और बस उसको मलते गए। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है एंड फिर उसको गूंथते जाएंगे। जितना आटा आप ज़्यादा मलेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होता है, रोटियाँ उतनी ज़्यादा सॉफ्ट बनती हैं। अगर आप आटे को बस ऐसे करके ऐसे थोड़ी देर के लिए रख देंगे, रोटियाँ मतलब टेस्ट नहीं आता। टेस्ट क्या, रोटी तो पेट भरने के लिए होती है, लेकिन टेस्ट भी तो होना ज़रूरी है ना। तो मैं कोशिश करती हूँ कि रोटियों में टेस्ट आए, अच्छी लगे, फूली हुई हूँ, इसलिए आटा खूब अच्छे से गूंदना चाहिए। इस तरीके से हम आटा गूंदेंगे,
ऐसे करके मलेंगे खूब अच्छे तरीके से। मेहनत बहुत लगती है, आपको पूछा होगा कि मेरी सास घूमने लग जाती है आटा गूंथते हुए। इस स्टेज तक आ गया है आटा, लेकिन फिर भी उसको अच्छे से गूंदना है, ऐसे अच्छे से। जितना अच्छे से आप गूंदेंगे आटा, उतना ज़्यादा बढ़िया फूल फूल के रोटियाँ आती हैं। Mm-hmm.